माइनस माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन ठीक है फाइंड फाइंड पी ऑफ वन सभी लोग ट्राई कीजिए तो इसको फाइंड पी ऑफ वन एंड चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे एवरी वन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ वन पी ऑफ वन का मीनिंग हमने कल आपको बताया था सभी लोग बताइए बहुत अच्छे रॉकी और लोग सभी लोग बताइए शुभम इतना लेट कैलकुलेशन अब तक सभी के आंसर आ जाने चाहिए थे तोफिक क्या कर रहे हो तो नितिन प्रियांशु बहुत अच्छे प्रियांशु का भी आंसर आ गया अन्य का भी आंसर आ गया बहुत अच्छे चलिए सक्षम तुम क्या कर रहे हो बाबू अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया चलिए तो क्या करूंगा मैं P of one मैंने बताया था कि X equals to K पर जो वैल्यू मीनिंग होगा कि मैं जहां जहां एक्स है वहां वहां वन को पुट कर देता हूं तो मैं बोलूंगा कि थ्री इन टू वन का स्क्वायर मुझे मिलेगा माइनस टू इंटू वन मिलेगा और माइनस टू मिले सॉरी माइनस वन मिलेगा ये कितना है माइनस वन ये टू इंटू वन एंड माइनस वन तो ये वन वन का स्क्वायर तो ही होता है तो ये थ्री माइनस टू इंटू वन टू माइनस वन तो ये मुझे जीरो मिल गया जीरो मिल गया यानी कि पी ऑफ वन की वैल्यू जीरो ही। अब मैं यहां से एक बात ये कह सकता हूं कि जीरो पोलिन यानी कि एक्स इक्वल टू वन पर एक्स इक्वन पर पी एक्स पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी इस PX की जो वैल्यू है वो क्या हमें मिल गया वन मिल गया इसका मैं, इसका मैं मतलब कि कि मैं बोल सकता uh, होगा होगा ये zero of this polynomial हो तो लास्ट क्लास में ने आपको जीरो पॉलिनोम बताया था जीरो पॉलिम का डिग्री सभी लोग चैट सेक्शन में लिखे था राइट द डिग्री ऑफ राइट द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोम एवरी वन शुभम का आंसर आ गया तो का आंसर आ गया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बहुत अच्छे बहुत अच्छे लेकिन बहुत लोग के आंसर पहला दो आंसर गलत आया है मेरा एक पहला आंसर आया है शुभम का जिसने वन आंसर किया है तौफिक का आंसर टू है जो कि बिल्कुल गलत आंसर है भाई आपको बताया था कि जीरो पॉलिनोम जीरो होता है और उसकी डिग्री अनडिफाइंड हुई थी अनडिफाइंड मिली थी यानी कि नॉट डिफाइंड मिला था या कोई इसको इन्फिनिटी भी लिख सकता है ठीक है तो आपको ध्यान होना चाहिए अब मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि ये कैसे अनडिफाइंड आया था ठीक है जिसको भी डाउट होगा आप YouTube के लेक्चर में चले जाकर फिर से रिकॉल करके देख लीजिए ठीक है अब आते हैं जीरो पॉलिनोम जीरो ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोम जीरो पॉलिनोम अलग होता है जीरो ऑफ या जीरोज ऑफ़ द लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जीरोज ऑफ द पॉलिनोम ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है तो लेट हमने लिखा लेट से पीएक्स कोई हमारे पास लेट लेट पीएक्स इक्वल्स टू पी एक्स बी अपलिनोमियल पीएक्स को हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फॉर विच Px Px is Px is जीरो is इज जीरो मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का आउटपुट जो है वो मुझे जीरो मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि वो x का वैल्यू जो है जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहा जाएगा तो मैं एवं एग्जांपल में देखता हूं कि मेरे पास Px ये एक पॉलिनोमियल था एक्स इक्वल्स टू वन पर जब मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया तो मुझे पीएक्स की वैल्यू जीरो मिल गया इट मीन क्या होगा जीरो ऑफ पी एक्स हमने मान लिया यहां पर हाँ कैलेंडर का लेक्चर अपलोड हो गया है यू कैन गो थ्रू देम एक्स इक्वल टू के इज अजरो जीरोज है तो मैं बोल सकता हूं कि पी ऑफ के की वैल्यू मुझे जीरो के बराबर मिल जानी चाहिए इसका मतलब यहां पर एक्स दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉरी एक्स इक्वल टू वन क्या मिला है एक्स वन पर वैल्यू जीरो हुआ ना? X of, PX. जो PX है ना इट मीन हमारे पास पीएक्स गिवेन है एब एक्साम्पल इस एग्जाम्पल में उसमें एक्स इक्वल टू वन जो है वो एक आ, मेरे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है यहाँ तक सबको क्लियर है आगे बढ़े जस्ट राइट ये और नो इन द चैट सेक्शन एवरी वन बहुत अच्छे नेक्स्ट आइडिया इज रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से पहले डिवीजन एल्गोरिदम मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा डिवीजन एल्गोरिदम देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम एल्गोरिजम डिवीजन एल्गोरिजम डिवीजन एल्गोरि फॉर पॉलिनोम यहां पे जो भी बात होगी पॉलिनोम के लिए होगी जैसे लेट से आप डिवीजन एल्गोरिदम फॉर रियल नंबर पढ़ते हो रियल नंबर में पढ़ते हो कि जो डेविडेंट की जो वैल्यू होती है डेविडेंट ध्यान दीजिए डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इन टू आपने पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि इस रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए जैसे कि हम लोग सेवन से डिवाइड कर रहे थे तो हमने वहां पे देख भी लिया था ये सब चीजें भी हम लोग कैलेंडर में डिस्कस किया हुआ है तो रिमाइंडर जो होती है वो यहां पर डिवाइजर से छोटी होती है और आप ये भी जानते हो कि जो डिवाइजर होती है डिवाइजर यह भी डिविडेंड के या तो बराबर होगी या उससे छोटी ही होती है या आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर के डिवीजन में या होल नंबर के डिवीजन में इंटीजर्स के डिवीजन में लेट से कि अगर मुझे टेन को डिवाइड करना है तो टेन को डिवाइड करना है मुझे तो मैं जो नंबर रखूंगा वो हमेशा टेन से क्या होगा छोटा होना चाहिए ठीक है डिवाइड करने के लिए तो वही यहाँ पर डिवाइजर जो होगा छोटा होगा डिविडेंड से पहला कंडीशन और या बराबर भी हो सकता है और दूसरा कंडीशन में ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए वो डिव, वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए दो कंडीशन अप्लाई करते हैं यहां पर उसी तरह डिवीजन एल्गोरिदम जब मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि यहां पर एक डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल होगा और दूसरा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसके पहले मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं एक एग्जाम्पल डिवाइड सभी लोग ये क्वेश्चन लिखिए डिवाइड डिवाइड द पॉलिनोमियल डिवाइड द पॉलिनोमियल डिवाइड द पॉलिनोमियल आप लोग को डिवीजन आता होगा पॉलिनोमियल का क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल लेट से थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब ले लेते हैं थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इसे डिवाइड कीजिए तो सभी लोग और मुझे रिमाइंडर और डिवाइजर लिखे जा। लिख कर लिख जाए लिखकर बताइए क्यू लिख दीजिएगा क्यू इक्वल टू डिवाइजर वाला एक्स स्क्वायर नहीं लिख पा रहे हो तो एक्स और उसके बाद टू लिख दीजिएगा टू एक्स लिखेगा तो मैं जानूंगा कि टू में एक्स से मल्टीप्लाई क्यों एक्स टू लिखा रहेगा तो मैं जान जाऊंगा कि एक्स स्क्वायर है चलिए सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो चैट सेक्शन में एवरी वन जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट सेक्शन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको लिखना है लिखना है रिमाइंडर को आर से लिखेगा आर इक्वल्स टू समथिंग जो भी आ रहा होगा थ्री एक्स स्क्वायर है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी टू एक्स स्क्वायर कर लो यहां अच्छा, पे। अच्छा वहां पे एक्स था माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लिख लीजिए प्लस एक्स माइनस वन अटेंडेंस गिर गया है क्लास का बहुत लोग क्लास नहीं कर रहे हैं आई थिंक कॉल घुमाना पड़ेगा उनके घर पे सक्षम ने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नहीं मिला उसको अच्छा ये लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई कर दिया सीधे हमने डिवाइड करने को बोला है ध्यान रहे ये बात रिमाइंडर थ्योरम मत अप्लाई करो डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिए डिवाइड करने आता है ना सभी को देखिए मैं एक बार बताता हूं ये तो आई थिंक आना चाहिए सबको एक्स माइनस वन से मैं अगर डिवाइड करता हूं अच्छा आ रहा है रॉक रॉकी का आंसर आ गया है थ्री एक्स स्क्वायर इतना रॉकी का आंसर आई थिंक आ गया है रॉकी तो बकायदे फंक्शन के साथ बताया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बेल आंसर देख लेते हैं ये तो साइन ही नहीं लिखा है शुभम शुभम ने साइन ही नहीं लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर एक्स टू क्या क्या साइन है कुछ नहीं पता तो लेट मी चेक अलग अलग आंसर आ रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि शुभम का आंसर सही है एवरी वन दो से तीन लोगों के अभी तक आंसर आए क्या कर रहे हो और प्रियांशु नितिन क्या कर रहे हो तुम लोग आंसर नहीं आ रहा है तुम लोग का so, देखिए भाई अगर मैं इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब है माइनस टू एक्स स्क्वायर है माइन प्लस एक्स है माइनस वन है अगर मैं इसको इस देखिए मैं क्या करता हूं जब भी पॉलिनी डिवीजन हो तो आपको यह करना है कि पहला वाला टर्म जरूर कैंसिल होना चाहिए या हाईएस्ट पावर वाला लेट्स है बोला हाईएस्ट पावर वाला टर्म मस्ट बी क्लियर मस्ट बी सब या कैंसिल होना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मैं इसको थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला वाला टर्म जो होगा कैंसिल होगा क्योंकि थ्री एक्स क्यों हो जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज थ्री एक्स क्यूब एंड माइनस थ्री एक्स नाउ दिस इज माइनस दिस इज प्लस सब करते हैं तो आपको पता है कि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है तो ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर में प्लस थ्री एक्स स्क्वायर से मैंने एडिशन किया तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस में मिलेगा और फिर यहाँ पे प्लस एक्स आया है फिर मैं क्या करता हूँ प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा।, एक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, गया।, तो गया। यहाँ पर मुझे टू एक्स मिल गया माइनस वन फिर मैं क्या करूंगा टू टाइम्स में जाएगा मेरा ये मल्टीप्लीकेशन तो प्लस टू हो जाएगा यहाँ पर मुझे टू एक्स मिलेगा माइनस टू मिलेगा जब ये देखिए टू एक्स माइनस वन यहां पर टू एक्स माइनस टू हो गया जब ये माइनस करूंगा माइनस और ये प्लस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास ये वाला टर्म पहला वाला टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया और ये प्लस वन मिलेगा तो मुझे रिमाइंडर जो है वो वन मिला ये रिमाइंडर जो है ये मुझे वन मिला और यहां पर ये यह जो है ये मुझे क्वेश्चन क्यूब मिला इसको क्यूबेक्स नाम दे सकता हूं इसको मैं आरएक्स नाम दूंगा रिमाइंडर क्या नाम दूंगा आरएक्स बात आया समझ में भाई आरएक्स मैं इसका नाम देता हूं ठीक है चलिए शुभम का आंसर सही है और लोग के भी आंसर है का आंसर गलत है माइनस में उसने आंसर दिया है माइनस तो मेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो इस तरह से मैंने क्या किया इसका डिवीजन किया आपको अब देखना यह है कि अगर मुझे कोई एक पॉलिनोम इस तरह का दिया हुआ है तो अगर दो पॉलिनोमल आपको दिया जाए दिया जाए दो पॉलिनोम दिया जाए तो आप उसको डिवीजन के थ्रू प्रोसेस करेंगे डिवीजन के थ्रू प्रोसेस करोगे आप तो आपको दो और मिलेंगे कौन कौन सा पॉलिमल मिलेगा भाई एक पॉलिमल क्या मुझे मिलेगा कोशेंट पॉलिनोम इसको क्या नाम देंगे कोशेंट पॉलिनोम कोशेंट पॉलिनोम और जो दूसरा पॉलिनोमल मुझे मिला है वो मुझे मिला है रिमाइंडर पॉलिनोम मुझे मिला है रिमाइंडर रिमाइंडर पॉलिनोम ठीक है तो डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली यही कहता है कि इफ वी हैव टू पॉलिनोम देन वी हैव टू पॉलिनोमल देन देर एग्जिस्ट टू अनदर पॉलिनोमल तब वहां पे दो और पॉलिनोम हमें मिलेंगे सच दैट सच दैट कि डिविडेंड वाला पॉलिनोम जो होगा क्वल टू डिजर पॉलिनोम इन टू कोशन पॉलिमियल दिस पॉलिनोम इज डिड पॉलिनोम यह जो है यह एक्स माइनस वन क्या है डिवाइजर है डिवाइजर डिवाइजर पॉलिनोमल है और ये जो हमारे पास पॉलिनोम uh, मिला है जो दोनों डिविजन के बीच में है इसको बोलते हैं डिविडेंट पॉलिनोमियल डेविडेंट पॉलिनोमियल बात आया समझ में अब आप ये ध्यान दे सकते हो कि यहां पर यहां पर जो डिवाइजर का पॉलिनोमियल है डिवाइजर का जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है इससे कम है डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल से और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल है जो मुझे रिमाइंडर का पॉलिनोम मिला है इसकी डिग्री अच्छा बताओ तो यहां पे जो रिमाइंडर मिला है उसकी डिग्री कितनी है एवरी वन जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन जो जो मुझे रिमाइंडर मिला है वन उसकी डिग्री कितनी होगी बहुत अच्छे देखो तोफिकवा का गलत आंसर आ रहा है तोफिक वन है पीएक्स इक्वल्स टू वन ये कांस्टेंट पॉलिनामेल हुआ जिसकी डिग्री क्या होगी जीरो होगी तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत अच्छे है सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है को छोड़ के तो हमने डिवाइजर लिया है एक्स माइनस वन जिसकी डिग्री वन हो गई क्योंकि वहां पे का मैक्सिमम पावर जो है वो वन है वो और यहाँ पर डिवाइजर में एक्स इक्वन ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोम हुआ भाई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दो तरह के होते थे एक तो वो होता था जहां पर मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलती थी क्या मिलता था मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलता था जिसकी डिग्री वन होती थी और दूसरा जी, जीरो पॉलिनी मिलता था जिसकी डिग्री अनडिफाइंड होती थी तो ये मैं लिख सकता हूं एक और पॉलिनोमियल में दे, एक और डिवीजन मैं आपको दे रहा हूं वो फाइंड आउट करके दिखाइए दूसरा सेकेंड पॉलिनोमियल का डिवीजन लिखिए डिवाइड सभी लोग लिखिए डिवाइड लिखे डिवाइड एग्जाम्पल्स में ही लिखा हमने डिवाइड थ्री एक्स स्क्स प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स प्लस फाइव बाई किस से डिवाइड करना है आपको वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स है करना आपने आपको क्या करना है इससे डिवाइड करना है सभी लोग एक ट्राई कीजिए फिर से इस डिवीजन को और मुझे रिमाइंडर और रिमाइंडर और क्वेश्चन पॉलिम में रिपोर्ट कीजिए सभी लोग चैट सेक्शन में डिवाइड थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बाई द पॉलिमियल वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट रॉकी का आंसर आ गया अभी तक सिर्फ रॉकी का ही आया मी चेक कि सही आंसर आया है या गलत आंसर है। टू एक्स प्लस फाइव तो आई कैन राइट कि मुझे पहला वाला थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यूब को कैंसिल करने के लिए तो ये हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस यहां पे सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस यहां पर थ्री एक्सेप्ट करूंगा तो ये थ्री एक्स हो जाएगा न सप्ट्रैक्ट माइनस 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 तो यहाँ पर जो मुझे मिला पहला टर्म वो कैंसिल होता हुआ दिखेगा यहाँ पर तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर मिलता है और फिर यहां पर मुझे अगेन माइनस एक्स मिलेगा फिर इसको मैं करता हूँ माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर फिर मुझे मिलेगा माइनस टेन एक्स और यहां पर अगेन मुझे मिलेगा यहां पर ये भी राइट कर लीजिए प्लस फाइव वाले को ऐड कर लीजिए और यहां पर मुझे मिलेगा माइनस फाइव तो ये हो जाएगा प्लस अगेन दिस इज प्लस अगेन दिस इज प्लस तो ये टर्म तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहां पर मुझे मिलेगा नाइन एक्स 9x और ये प्लस 10 हो जाएगा तो 9x 10 आई थिंक रॉकी आपका रिमाइंडर गलत है बट क्वेश्चन पॉलीनोमियल सही है और आई थिंक माइनस नहीं आएगा प्लस 9x आएगा तौफीक तो आपका भी क्वेश्चन uh, सही है रिमाइंडर गलत आ गया रिमाइंडर गलत आ गया ठीक है रिमाइंडर जो है वो प्लस 10 होना चाहिए ठीक है तो एक ही दो लोग का डाउट यही एक ही शुभम आपने आंसर किया है क्या शुभम तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आया तो सही कैसे हो गया तुम्हारा आंसर अच्छा खुद से ट्राई किए हो कॉपी में नहीं नहीं आया है तुम्हारा आंसर नो योर आंसर इज नॉट हियर नहीं माइनस नहीं आएगा आई थिंक प्लस ही आएगा प्लस ही आएगा जो रिमाइंडर है वो प्लस होना चाहिए ठीक है तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिए एक बात जो डिवाइजर है वो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ यहाँ पर अगेन मुझे जो डिवाइजर मिली है डिवाइजर इसकी जो डिग्री है हाँ रुको सक्षम एक बार मुझे बताने यहाँ पे डिवाइजर की जो डिग्री है वो टू है और जो डिविडेंड है उसकी डिग्री थ्री है तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि डिवाइजर की डिग्री जो है वो लेस देन है डिविडेंड के डिग्री से और दूसरा यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी ही मिल रही है देखिये रिमाइंडर डिवाइजर जो है उस उसकी डिग्री टू है तो और रिमाइंडर की डिग्री वन है चलिए सक्षम ने हैंड्स रेज किया है तो आई थिंक हाँ सक्षम बोलिए क्या डाउट है सर मैसेज आ ही नहीं रहा है सर मैसेज नहीं जा रहा है नो no, सर क्यों मैसेज तो मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ है मैसेज हम ही को कर ना... रहे थे ना हाँ सर वहाँ लिखा था क्या कि सुनील गुप्ता इज नॉट इन दिस मीटिंग हाँ एक बार फिर yes. से रिजॉइन करो ठीक ठीक है एक बार फिर से रिजॉइन कीजिए जिनको मैसेज वगैरह ड्रॉप करने में दिक्कत हो रहा है एक बार रिजॉइन कर लो सुनील गुप्ता मीटिंग में नहीं तो सुनील गुप्ता चला कैसे रहे हैं ठीक है तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए अच्छा हाँ अन्य बताओ रुको लेट मी अनम्यूट यूज यूज टू यू हाँ बोलो सर मेरे कभी वही प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा वही हो रहा है तो हाँ। एक बार एक बार रीजॉइन कर लो ठीक है सर हाँ बोलो ये ये डिवीजन देने हम लोग को अच्छे से नहीं आता सिखा दीजिए तो ये तो सिखा ही रहे थे ना अभी क्या कर रहे थे देखिए पहला मैं ऐसा ऐसा नंबर यहाँ पे पिक करता जब भी मुझे डिवाइड करना होता है ध्यान से सुनना। जब भी मुझे करना होता है, तो मल्टीप्लाई करूंगा।, करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा कि पहला वाला जो टर्म है एक्स क्यू का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए तो हमें ऐसा टर्म मिलेगा कैसे भाई तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि यहां पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और मुझे इसको क्या करना है स्क्वायर स्क्वायर सॉरी है और मुझे इसको क्यूब क्यूब करना है यानी एक X का पावर घट रहा है तो एक टर्म तो X होना चाहिए और दूसरा तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से हो गया तो इसमें मैं थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब कि पहले वाले जो डिवाइजर में है पहला टर्म कैंसिल करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े उससे मल्टीप्लाई कर दो बाद वाले को मत देखो कि क्या आएगा तो मैंने इसमें थ्री एक्स स्क्वायर सॉरी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये थ्री एक्स क्यूब हो गया प्लस का साइन दे दिया फिर तीन दुनी 6, तो 6 हो जाएगा और यहां पर है 1X से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया क्यों स्क्वायर यहां पर मिल गया और प्लस वन इंटू थ्री एक्स थ्री एक्स मिल गया अब देखो हमने बताया था आपको कि जब भी एक में से दूसरे को सप्रैक्ट करते हैं ना तो साइन को अपोजिट कर लेते हैं साइन को अपोजिट कर लिया तो माइनस 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 कर लिया पहला वाला टर्म प्लस माइनस के साथ कैंसिल ये प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस थ्री एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस फाइव एड कर दिया यहाँ पे फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है यहां पर इस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है

प्लस फाइव और ये भी प्लस फाइव प्लस टेन हो गया तो ये हमारे पास रिमाइंडर मिला अब क्लियर है रिप्लाई इन चैट सेक्शन नो करके गुड बाद में मैं तुमको कुछ डिवीजन दूंगा वो वो बताना डाउट होगा तो मैं अलग से ले लूंगा ठीक है डिवीजन में किसी को भी डाउट हो भाई कितने लोगों को डाउट है राइट डी और सी अगर डाउट है तो डाउट लिखिए ताकि मैं अलग से उसका एक एक वीडियो बना के आपको बता दूं चार से पांच क्वेश्चन मैं उसमें आपको बता दूंगा चार से पांच क्वेश्चन आपको बताऊंगा अलग से और लोग शुभम ने रिप्लाई कर दिया अन्य ने और डाउट इन साइन साइन का तो भाई साइन का तो क्लियर लोचा होना चाहिए कि भाई लोचा जो है वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि अपोजिट कर देते हैं सब्रेक्शन यहाँ पे होता है अब ये कोई नहीं पूछेगा सब सब्रैक्ट क्यों करते हैं आपको याद होगा कि अगर फाइव को मैं सिक्स को फाइव से मैं डिवाइड करता हूं तो वन टाइम्स में जाता है तो हमें क्या करना होता है ये सब करके ही तो वन लिखते हो कोशेंट बाला, कोशेंट, तो क्वेश्चन माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे माइनस फाइव रख दिया ठीक है और ध्यान दीजिए डिविडेंड देख के मुझे उतने से मल्टीप्लाई करना होता है तो आई थिंक तीन चार लोगों को डाउट है अलग से क्लास नाइन्थ में नहीं पढ़े थे क्या एकदम डिवीजन क्लास नाइन्थ में ही पढ़ना था चलिए ये तो डिवीजन मैंने बस ऐसे ही लिया था नहीं तो मैं डायरेक्टली डिवीजन एल्गोरिदम बताता आपको सोच लो कितना लॉस हुआ है तुम लोग के स्टडी का ठीक है जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर होना चाहिए था उस अभी क्लास टेंथ में आने के बाद दो लेक्चर ले लिया हमने एक लेक्चर में फिनिश होना चाहिए था दो लेक्चर में अभी आधा फिनिश हुआ है ठीक है नेक्स्ट मैं अब यहां पे डिवीजन एल्गोरिदम लिखने के लिए फ्री हूं डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोल सकता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे ही चले जाते हैं डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम तो बेसिकली मुझे यह बताना था कि अगर आपको कोई दो पॉलिनोमियल दिया हुआ हो कोई दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें से एक की डिग्री दूसरे की डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो तो आप क्या करते हो जो कम वाला होता है ना उसको आप क्वेश्चन पॉलिनोमियल उसको सॉरी डिवाइजर पॉलिनोमियल मान लेते हो और जिसकी डिग्री ज्यादा होती है उसको डेविडेंट वाला पॉलिनोमियल मान लेते हो तो हमने लिखा लेट 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 एफ एक्स एंड जी एक्स लेट एफ एक्स एंड एंड जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स बी टू पॉलिनोमियल्स दो पॉलिनोमियल्स है भाई पॉलिनोमियल्स सच दैट सच दैट सच दैट डिग्री ऑफ देखो डिग्री ऑफ का मतलब हम ऐसे लिख दें डी ई जी एफ एक्स लिख दे तो आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ एफ एक्स ठीक है तो मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ जी एक्स लेस देन एन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स ठीक है दो पॉलिनोमियल है हमारे पास कौन कौन सा एफ एक्स और जी एक्स जहां पर जी एक्स की डिग्री जो है वो हमेशा एफ एक्स से कम रहती है या एफ एक्स के बराबर भी हो सकती है देन देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट

क्यूएक्स एंड आरएक्स आरएक्स सो दैट या सच दैट सच दैट ये जो एफ एक्स होगा एफ एक्स ये आपको मिलता है जी एक्स इंटू क्यूएक्स से और प्लस आरएक्स ये आपके पास ये जो दो और पॉलिनोमियल मिले हैं आपको कौन कौन सा कोशेंट पॉलिनोमियल और दूसरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल वो कैसा होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो क्या करना चाहिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको मैं अंडरग्राउंड बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है ये अब यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो क्यूएक्स मिला है वो होता है कोशन पॉलिनोमियल कोशन पॉलिनोमियल पी ओ एलवाई लिख दे रहे सिंपली और इसको मैं लिख सकता हूं रिमाइंडर पॉलिनोमियल रिमाइंडर पॉलिनोमियल और ऑब्वियसली जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो डेविडेंट वाला पॉलिनोमियल हो जाता है वो क्या होता है डेविडेंट डेविडेंट पॉलिनोमियल और ये जो होता है ये जो होता है ये डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल हो जाता है ये यानी कि जिसकी डिग्री क्या होगी जीएक्स की डिग्री छोटी थी या एफ एक्स से बराबर थी छोटी या बराबर थी तो हमने बोला कि वो क्या हो जाएगा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री एफेक्स की डिग्री क्या है ज्यादा है सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा डेविडेंट वाला पॉलिनोमियल होगा तो आप ये याद करते हो आप बचपन में ये पढ़ते हो गए कि डेविडेंट जो होता है डिविडेंड डिविडेंड ये आपको मिलता था डिवाइजर इंटू कोशेंट डिवाइजर इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन को क्यू यू ओ ही लिख देते हैं और रिमाइंडर को एड कर देते हैं बचपन में पढ़े हो गए फॉर द रियल नंबर ठीक है नंबर का जब डिविजन लगता था यहां पर मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं यहां पर मैं पढ़ रहा हूं पॉलिनोम के लिए लेकिन अभी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ अभी ये हमने एग्जैक्ट कंडीशन नहीं लिखा हुआ है यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि यहां पर जो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है जहां पर मुझे डिग्री ऑफ आर एक्स मिली है डिग्री ऑफ आर एक्स ये हमेशा छोटा होगा क्या होगा डिग्री ऑफ आर एक्स छोटा होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर डिवाइजर क्या था हमारे पास जी एक्स था भाई डिवाइजर क्या है जी एक्स है डिवाइजर क्या है जी एक्स है डिवाइडर जी एक्स है और यू कैन राइट कि आपको और आप ये भी बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ आर एक्स आर एक्स की वैल्यू जीरो के भी बराबर हो जाती है ठीक है यानी कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो जीरो मिल जाएगी क्या ये सभी को समझ में आया क्या इज दिस डिविजन पॉलिनील स्टेटमेंट ऑफ डिविजन पॉलिनील इज क्लियर टू एवरी वन जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप इसका प्रूफ कि जो यहां पर जो मुझे रिमाइंडर मिला है उसकी डिग्री कितनी है वन है जो कि इस इसके डिग्री से क्या है छोटी है इसके पहले वाले में हमने देखा था कि यहां पर रिमाइंडर क्या है जीरो मिला है रिमाइंडर की डिग्री जीरो मिली है तो डिवाइजर की डिग्री वन थी तो आई थिंक सभी को ये डिवीजन एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए एक बार चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए इज इट क्लियर टू एवरी तो का क्लियर हो गया और लोग रिप्लाई कीजिए वही मान लीजिए डिवीजन नहीं करने आता होगा तीन चार लोगों के डाउट्स आए हैं मेरे पास बट ये डिवीजन एल्गोरिदम की जिस तरह से मैं लिख रहा हूं क्या वो क्लियर है किसकी डिग्री उससे कब मिलेगी ये सब बात समझ पा रहे हो सक्षम प्रियांशु रिप्लाई नहीं आ रहा है गुड अन्य तुम्हारा चलिए वेट करना सही नहीं है आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए तो ये हो गया अब आते हैं रिमाइंडर थ्यूरम फैक्ट हाँ रिमाइंडर थ्योरम नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज रिमाइंडर थ्योरम टाइम है हमारे पास हाँ, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं तीन बीस हो सकता हो जाए क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट आज मैं खत्म कर दूंगा रिमेंडर रिमेंडर थ्योरम रिमेंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भाई रिमाइंडर थ्योरम यही होता है कि अगर आपको देखिए यहां पर एफ एक्स पॉलिनोमियल यानी डिविडेंड वाला रहेगा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है यानी एक्स माइनस ए टाइप का होगा लेट लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल एफ एक्स अ पॉलिनोमियल एक्स नहीं पी एक्स ले लेते हैं क्योंकि पी पर रिजल्ट लोग याद करते हैं लेट पी एक्स बी अपॉलिनोमियल बी अपॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल टू वन ग्रेटर इक्वल इक्वल टू वन ठीक है इफ वी डिवाइड इफ वी डिवाइड डिवाइड द पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल पी एक्स को पी वाई लिख के पॉइंट लिख लगा दिए डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए क्या कर रहा हूं मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं बाई अ लीनियर पॉलिमल एक्स माइनस ए द रिमाइंडर ऑप्टेंड देन द रिमाइंडर देन द रिमाइंडर रिमाइंडर इज पी ऑफ ए रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा पी ऑफ ए मिलेगा यह स्टेटमेंट होता है रिमाइंडर uh, थोरम का अब मैं एक क्रॉस कर क्वेश्चन uh, करना चाहता हूं जिसको आंसर आएगा वो अपने हैंड्स हैंड्स को रेज करेगा यहां पे मैंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ हूं कि लेट पी एक्स बी ए इक्वल टू वन मैंने इसकी डिग्री को एक या एक से ज्यादा क्यों लिया हुआ है मैंने या किसी भी रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम में जो पॉलिनील एज्यूम्ड रहता है पीएक्स उसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा होती है ऐसा क्यों होता है एनी वन कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन एवरी वन जस्ट रेज योर हैंड कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जो समझ में आता है वो बोलिए या जो अभी डिविजन एल्गोरिदम में आपने देखा उससे जाइए क्योंकि डिवाइड करने की बात हो रही है यहां पर भी क्वेश्चन ये मेरा कह रहा है कि मैंने यहां पर ये एक्चुअली मैंने नहीं लिखा हुआ है ये रिमाइंडर थ्यूरम जो बुक में लिखा हुआ है वो उसका स्टेटमेंट है या अगर मुझे भी लिखना होता तो मैं भी इसको ऐसे ही लिखता कि अगर मुझे कोई रिमाइंड कोई रिमाइंडर थ्योरम के लिए कह रहा है कि पीएक्स कोई एक पोलिनोम है जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं डिग्री एक से ज्यादा ही क्यों होनी चाहिए या जीर, डिग्री जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए यह मैं बात बोलना चाह रहा हूं कोई दे सकता है आंसर ऐसे तो कोई ना ही कोई बोलेगा ही नहीं नितिन मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं रिप्लाई करो नितिन नितिन म्यूट क्यों नहीं हो रहा है अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है भाई नहीं होगा इसको देखो हाँ हाँ नया बताओ तो सर क्योंकि लेनियर पॉलिनोमियल बोल रहा है ना तो तो डिग्री वन ग्रेटर वन ही ना लेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल तो यहां से है P, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स थोड़ी ना लीनियर है और अगर लीनियर होता तो डिग्री एक से ज्यादा होती कि सिर्फ एक ही होती एक ही होती हाँ तो एक से ज्यादा लिखा हुआ ना एक या एक से ज्यादा तुम तो पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन का माजरा ही चेंज कर दी तुम तो मैंने क्वेश्चन किया कुछ और और तुम आंसर कुछ और लेके आ रही हो यहाँ पे दो पोलियोमल है ध्यान देना एक पीएक्स है जो कि डेविडेंट का रोल प्ले करेगा और दूसरा होगा डिवाइजर जो लीनियर है ठीक है बोथ बो आर डिफरेंट हाँ शुभम बताइए रुके मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ हाँ, सुबह अगर तो वैल्यू वन हो जाएगा ना क्या क्या किसका वैल्यू ले लेंगे तो अगर उसका तो जी, अगर जी उसका होगा डिग्री तो वैल्यू हो जाएगा ना ऐसा थोड़ी होता है फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट पॉलिमल हो जाएगा एक से कम होगा एक से कम होगा तो फर्स्ट first... एक से कम होगा तो पॉलिमिल पीएक्स इक्वल टू फाइव पॉल्योम नहीं है क्या ये ऐसा ऐसा रिप्लाई तुम लोग देते हो ना देखिए क्यों नहीं होगा अभी कुछ देर पहले बताया कि डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने बताया कि जो डिवाइजर होगा उसकी डिग्री हमेशा डेविडेंट के पॉलिनील से छोटी होगी ठीक है डिवाइजर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डेविडेंट के पॉल्योम से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए और हम दूसरे दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड वाला पॉलिनील होगा जिसको डिवाइड करना है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर वाले पॉलिनील से या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जैसा कि यहां पर हमने लिखा हुआ है इसलिए पहले डिविजन एल्गोरिदम बताया कि यहां पर एफ और जीएक्स दो पॉलिनोमियल था एफ और जीएक्स दो पॉलिनील था यहां पर हमने एफ की डिग्री को ज्यादा माना जीएक्स से तभी ये डिवीजन पॉसिबल था डिजन पॉसिबल होने का मतलब तभी मुझे एक polynomial और दूसरा remainder polynomial मिला, otherwise ये नहीं मिलता। बात आया समझ में तो यहां पर लिखने का रीजन ये था कि भाई अगर Px, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे डिवाइजर वाले पॉलिमल एक्स माइनस ए से तो डिवाइजर वाले पॉलिमल एक्स माइनस ए की जो डिग्री है वो देख लो वन है इसकी डिग्री कितनी है जिस जो डिवाइजर है जिसको डिवाइड जिससे डिवाइड करना है इसकी डिग्री वन है तो इसका मतलब कि जो डिविडेंड की जो डिग्री होगी या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होनी चाहिए थी इससे बराबर होने के लिए उसकी डिग्री वन होनी चाहिए या इससे ज्यादा होने के लिए इसकी डिग्री एक से ज्यादा होनी चाहिए तो तौफिक का ही सिर्फ आंसर सही था और बाकी किसी का आंसर सही नहीं था ठीक है तो ये यहां पर मुझे रिमाइंडर मिला तो रिमाइंडर का रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था इसीलिए मैंने वहां पे लिया था एक बार फिर से तो तुम लोग तो लग रहा है क्लास इसलिए मैंने बोला था कि रिकॉल कर रहा हूं तो क्लास नाइन्थ का, का एक बार जाकर पढ़ना चाहिए था सबको देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं अगर मुझे किसी पोलिनोम को डिवाइड करना है ध्यान दीजिए मुझे किसी पॉलिनीमल को डिवाइड करना है तो मुझे दो पॉलिनीमल चाहिए एक ऐसा जिसको जिससे डिवाइड करना है और दूसरा पॉलिनी जिसको डिवाइड करना है दो पॉलिनोमल यहां पर मैं जिसको डिवाइड कर रहा हूं उस पॉलिनोम का नाम है पीएक्स ये क्या है डेविडेंट वाला पॉलिनोम है डेविडेंट ठीक है भाजक जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक भाजक का मतलब जिसमें भाग लगाना है और डिवाइजर डिवाइजर का मतलब होता है जिससे भाग देना है तो मुझे भागा देना है एक्स माइनस से किस में पीएक्स में तो मैंने अभी बताया कि जो डिवाइजर है डिवाइजर मतलब जिससे भाग देना है जिससे भाग देना है उसकी डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए डिवाइ वो डिविडेंड वाले यानी भाजक वाले पॉलिनी जैसे हमने यहां पर लिखा था तो चूंकि यहाँ पर पी जो है वो भाजक वाला पॉलिनी है ठीक है जिसमें भागा देना है तो उसकी डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए थी डिवाइजर वाले से तो देखो डिवाइजर की डिग्री कितनी है वन तो जो डिविडेंड है इसकी डिग्री या तो वन से वन के होती या वन से ज्यादा होती इसलिए मैंने डिग्री ग्रेटर इक्वल टू वन लिखा हुआ है ठीक है अब आपको दूसरा यहां पर यह हो जाता है कि भाई यहां पर जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा उसके अब देखिए रिमाइंडर की डिग्री कैसी होती है भाई तो रिमाइंडर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिवाइजर से दो कंडीशन होता है डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से छोटी या बराबर दोनों और जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए डिवाइजर से अब देखिए डिवाइजर की डिग्री एक है डिवाइजर की डिग्री क्या है एक है इसका मतलब कि मुझे जो रिमाइंडर की डिग्री मिलेगी वो हमेशा एक से छोटी मिलेगी यानी कि जीरो पॉलिनी मिलेगा और जीरो डिग्री पॉलिनी को मैंने बोला था कि पी एक्स इक्वल टू तो क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इस कॉन्स्टेंट में क्या होता है ये एक्स से इंडिपेंडेंट होता है कॉन्स्टेंट जो मिलेगा वो एक्स से क्या होगा इंडिपेंडेंट होता है तो वही आपको पता होना चाहिए था कि यहां कॉन्स्टेंट यानी कि जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा उसमें एक्स का टर्म नहीं आएगा अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम को मैं प्रूफ भी कर देता हूं यहां पर मैं लिख प्रूफ में मैं लिख सकता हूं प्रूफ में बाय, बाय, डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिथम से मैं बोल सकता हूं कि मुझे पीएक्स जो डिविडेंड है Px की वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा ये X -A, जो डिवाइजर था, इंटू कोई कोशेंट पॉलिनी मिला होगा लेट से हम क्यू एक्स मान लेते हैं कोशेंट पॉलिनी और प्लस कोई रिमाइंडर पॉलिनी मिला होगा अभी आरएक्स मान लेते हैं आरएक्स मान लेते हैं बट हम कहेंगे बट बट डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा बट डिग्री ऑफ आरएक्स ये छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए की डिग्री कितनी होती है तो वन होती है तो वन यानी कि आर एक्स की डिग्री जो है वो एक से छोटी होनी चाहिए यानी कि हम बोलेंगे देयरफॉर देर फोर आर एक्स आर एक्स इज अज अस्टेंट पॉलिनोम इज अस्टेंट पॉलिनोमियल अब अगर ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो मैं बोलूंगा कि आर एक्स जो है वो कुछ आर के बराबर मिलेगा उसमें एक्स का टर्म नहीं होगा देयर फोर आर एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू एनी नंबर आर ठीक है एक्स को क्या बोलेंगे एनी रियल नंबर आर एनी रियल नंबर आर कोई भी रियल नंबर आर मुझे ये मिलेगा एक्स नाउ मैं लिख सकता हूं कि पीएक्स की और यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं पीछे जाके कि क्यूएक्स जो है क्यूएक्स अब आपको पता होना चाहिए कि वेयर क्यूएक्स इज अ कोशेंट पॉलिनील सॉरी हाँ क्वेश्चन पॉलिनील तो ये सब तो होना ही चाहिए। तो अब मैं लिख सकता हूं कि मुझे P X की जो वैल्यू मिली है P X वो क्या मिला है X माइनस A इनटू Q X इनटू Q X और प्लस R X के जवाब पे अब मैंने R लिख दिया। नाउ एट X equals to A अगर X की वैल्यू A रखता हूं तो मुझे यहां पर P ऑफ A मिल जाएगा P ऑफ A एंड दिस इज इक्वलस ए यहाँ पे ए माइनस ए हो जाएगा इंटू क्यू ऑफ ए यहां पर क्यू ऑफ ए आ जाएगा क्योंकि हम क्यू एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं किस पर एक्स इक्व टू ए पर तो हमने बताया था ना कि पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इक्व टू के पर तो पी के हो जाता है उसी तरह क्यू एक्स की वैल्यू ए पर निकाल लूंगा तो मैं क्यू ए हो जाएगा ये और प्लस आर एक्स की वैल्यू तो आर हो गया यहाँ पर ए माइनस ए जीरो हो गया है तो जीरो इंटू क्यू ऑफ ए इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी प्लस आर तो यहां पे जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया। दिस इज आर। तो पी ऑफ ए मिल गया देयर फोर और आर क्या है रिमाइंडर देर फोर आई कैन से कि जो मेरे पास रिमाइंडर मिला है जो मेरे पास रिमाइंडर मिला है जो मेरे पास रिमाइंडर मिला है वो मिला है ऑफ ऑफ के P A के बराबर बराबर ठीक है तो यहां तक का पार्ट हो गया रिमाइंडर थ्योरम का यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू ठीक है और आई थिंक टाइम भी खत्म हो गया इसके बाद मेरी दूसरी क्लासेज है तो यहीं तक स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम देखेंगे देखने के बाद, के बाद क्लास कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगी मैं सेंड भी कर दूंगा तो आप लोग एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का कीजिएगा तो क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी होमवर्क रहेगा आज आपका होमवर्क क्या रहेगा होमवर्क क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बताता हूं एनसीईआरटी और एक्सरसाइज होगा 2.1 से 2.2 तक टू एक्सरसाइज 2.1 2.1 2.2 एंड 2.3 पॉइंट प्रोबेबली टू में आधा क्वेश्चन इससे लगेगा 2.3 लग जाना चाहिए पूरा लग जाना चाहिए आधा का तो 2.3 भी आप देख लीजिएगा 2.3 में तो ये टोटल मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन होने चाहिए एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगा और तब हम लोग क्लास टेंथ के पॉलिनोम जाएंगे एनसीआरटी में आज ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा ठीक है ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा या आपके सेशन में ही आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही पूरे एन का मॉडल वगैरह है एनसीआरटी के बुक्स भी है तो क्लास नाइन्थ में चले जाइएगा आप जो आप क्लास टेंथ में क्लिक करते हो क्लास नाइन्थ में चले जाइएगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ठीक है या फिर भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय एवरी वन अच्छा एक क्वेश्चन है वेट वेट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं आप